प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान को लेकर देश भर में साफ सफाई कर भारत को गंदगी मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है, जिसके चलते बड़े बड़े शहरों से लेकर ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया गया है। लेकिन उसके बाद देश की कई ग्राम पंचायतों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि सरपंच सचिव स्वच्छता अभियान को सफल होने की बात तो करते हैं, लेकिन ये अभियान सिर्फ कागजों पर ही सफल हो गया है। हकीकत में आज भी गंदगी मुचड़ा रही है। ग्राम पंचायत ने उड़ाई स्वच्छता अभियान की धज्जियां। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी गांव में पसरी गंदगी। क्या ग्राम पंचायत सरपंच को नहीं है कोरोना का भय? आखिर ग्रामीणों की जान के साथ क्यों खेल रही पंचायत? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के ग्राम कायथा पंचायत की, जहाँ इस गांव में फैली गंदगी को लेकर आप सहज ही जान सकते हैं कि स्वच्छता अभियान को लेकर पंचायत के सरपंच और सचिव कितने गंभीर हैं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, लेकिन कायथा के जनप्रतिनिधि महाशय को इससे क्या मतलब? उन्हें तो बस राम नाम जपना, पराया माल अपना की धुन सवार है। तो फिर ऐसे में उन्हें कैसे ख्याल आएगा गांव में पसरी गंदगी का? लेकिन सरपंच और सचिव को गंदगी से फर्क पड़े न पड़े, लेकिन ग्रामीणों की स्वास्थ्य पर जरूर इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां नदी नालियों में गंदी दुर्गंध आने लगी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं अब उन्हें गंभीर बीमारियों का भय सताने लगा है। हद तो तब हो गई जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर हर तरफ कूड़ा और गंदगी का ढेर लगा हुआ था। हालांकि गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत की, लेकिन किसी की कान में जू तक नहीं रहेंगी। कब से पड़ा है और क्या हमेशा ही ऐसा रहता है? हमेशा ऐसा ही। इसके लिए आपने कभी ग्राम पंचायत सचिव वगैरह से बोला? नहीं, यूं मुखाग्र में बोला था, दिखाई नहीं बोला था। मुखाग्र बोला था, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई? अभी तक तो नहीं। अभी कोरोना जैसी बीमारी चल रही है और ऐसी गंदगी फैली हुई है, तो इस संबंध में कोई भी ग्रामवासी कुछ नहीं कर रहा? अभी फिलहाल कुछ भी पहले थे, एक आध बार पंचायत वाले ने कराई थी सफाई, अभी करवाई थी। अभी फिलहाल तो नहीं। कितना समय हो गया फिलहाल? 3 महीने। 3 महीने हो गए। जब हमने इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएल पवार से चर्चा करना चाही, तो वो तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। सीएमओ किस तरह अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जरा उसकी एक तस्वीर आप भी देख लीजिए। क्या उज्जैन तो उज्जैन जाएगा आप ही देते तो बाइट देने में क्या? अच्छा, प्यार देंगे। किसी शायर का यह शेर ग्राम कायथा पर और वहाँ की व्यवस्था पर सटक बैठता है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। एमडी वुड्स मंगल मूर्ति माइका UG11 Silver State Meenal Shri opposite Bombay Motors 19/1 Vayan Road Indore 3 Madhya Pradesh. Contact 0731404216. Anit Jain 94259 00543. Dhananjay Jain 8827743543. Email anitj@gmail.com.